शिव यानी कल्याण करता है, लेकिन शंकर यानी सम करोति कल्याण, सम करोति, सभी का समान रूप से कल्याण करता है। आप कहोगे कि सभी का समान रूप से कहा कल्याण करता है शिव, कोई बहुत सुखी है कोई बहुत दुखी है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है कि वो किसी को सुख पहुंचाता है, सुविधा पहुंचाता है, तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो अपने कल्याण तक पहुंच सकता है, लेकिन किसी को वो दुख पहुंचाता है तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो कल्याण के पथ पर जा सकता है। जब कभी हम माया के अधीन हो जाते हैं, संसार के भोगों के वश हो करके हम दुखी हो जाते हैं, तो ये दुख कौन पहुंचाता है? वो ही तत्व है, इसीलिए दुख पहुंचाता है कि अगर माया में इसको सुख मिलने लगेगा तो ये और विमुख हो जाता है, और विमुख हो जाएगा, और विमुख हो जाएगा, और विमुख। इसलिए जिन सुखों में, जिन भोगों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वही भोग हमारे लिए रोग का कारण बन जाता है, वही भोग हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही भोग कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन जाता है। मतलब कि माया हमारी पिटाई करती है, और वो इसलिए पिटाई करती है कि वो हमको पिट करके अपने से दूर करके आखिर हमको कल्याण के मार्ग पर पहुंचा।